हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा स्किल्स। आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन से करने वाली हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आत्मविश्वास और आत्मसाहस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने में विश्वास रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो आत्मविश्वास है और अपने अंदर की जो शक्ति है, वो उससे आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन में। तो इस मोटिवेशनल लाइन से ये वीडियो शुरू होता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 10th पास कर चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। तो इसमें तीन टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो जिनको तो पहले से मालूम है कि क्या करना है और पहले ही वो अपना स्ट्रीम चूज कर चुके होंगे, क्योंकि उनका जो एम है उनको पता है कि उनको क्या करना है। दूसरे वो स्टूडेंट जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है। तीसरे वो स्टूडेंट जो सोचते हैं कि मैं तो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हूँ, तो चलो आर्ट्स या कॉमर्स ले लेते हैं। तो आज इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलने वाला है, आप तुरंत डिसीज़न लेने वाले हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम आखिर लेना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तीनों अपने अपने जगह सही है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट साइंस लेते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट है और जो आर्ट्स लेते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों ही सब्जेक्ट में वाइड स्कोप है। बस आपको स्ट्रीम चुनने के लिए सबसे पहले अपना एम देखना होगा कि आपको करना क्या है आखिर। अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो आप, या फिर मेडिकल के फील्ड में जाना है तो आपको साइंस स्ट्रीम के साथ जाना चाहिए। अगर आपको CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या फिर बिजनेस लाइन में जाना है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। या फिर आपको पता है कि आपको शुरू से UPSC का तैयारी करना है या फिर कुछ अदर आर्ट्स के ऐसे फील्ड्स बहुत सारे आते हैं, उस फील्ड्स में जाना है तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। तो आखिर में तो डिसीज़न आपको ही लेना है कि आपको साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है। और साइंस की अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जो साइंस की सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एंड दूसरा है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अधिकतर स्कूलों में जो है वो बच्चों को 6 सब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप PCB लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं, तो इसमें आपका जो एक सब्जेक्ट होगा इंग्लिश वो फिक्स रहेगा। उसके बाद आप हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप आजकल 6th पेपर बच्चों का आजकल हर स्कूल में देखा गया है, फिज़िकल एजुकेशन दे दिया जाता है। 6th पेपर स्टूडेंट को देने का यही मोटिव है कि अगर स्टूडेंट का किसी भी एक सब्जेक्ट में कम नंबर आता है या फिर वो फेल कर जाता है तो जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका मार्क्स उसमें ऐड करके उसको पास कर लिया जाता है। और बात करें PCM की, तो इसमें मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। आपका 4th सब्जेक्ट इंग्लिश हो सकता है। 5th सब्जेक्ट आप हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक ले सकते हैं। और 6th पेपर फिज़िकल एजुकेशन हो सकता है, ये स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट आपको देता है। अब बात करें कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स स्ट्रीम में जो मेन सब्जेक्ट्स है वो है अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस स्टडीज़, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा इंग्लिश,
ऑप्शनल पेपर हो जाता है मैथ्स, हिंदी या फिर आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। और साथ में अगर सिक्स पेपर अगर स्कूल प्रोवाइड करवाता है फिज़िकल एजुकेशन। अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं और कॉमर्स के साथ आप मैथ्स ले रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा चॉइस है। इसके अगर आप कॉमर्स के साथ मैथ लेते हैं तो आपका जो है स्कोप आगे के लिए बहुत ही वाइड हो जाता है। आर्ट्स की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इंग्लिश और हिंदी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड और अदर सब्जेक्ट आ जाते हैं। ओके, तो ये तीनों स्ट्रीम की बात हुई। साइंस बात की, खास स्ट्रीम की, कुछ बच्चे जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ बायोलॉजी भी ले लेते हैं। ये भी कुछ स्कूल में ऑप्शन रहता है कि आप पीसीएम प्लस बी भी ले सकते हैं, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आप बायोलॉजी भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे बता दिए स्ट्रीम में किस तरीके का सारा डिटेल दे दिया सब्जेक्ट का। तो आप इससे ये आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आप अपने 11th में साइंस लेते हैं तो आगे चलकर अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें आप साइंस से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आपको साइंस नहीं पढ़ने का मन है आगे तो आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स भी ले सकते हैं। अगर आपने अपने 11th में कॉमर्स लिया है तो आप आगे चल के अपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं और आर्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन साइंस नहीं ले सकते हैं, ये याद रखिएगा। और अगर आपने अपने 11th में आर्ट्स लिया है तो अपने आगे ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स ले सकते हैं, सिर्फ आर्ट ही लेंगे, आर्ट्स ही ले सकते हैं आप, लेकिन कॉमर्स और साइंस आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो साइंस स्टूडेंट के पास ये एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो आगे चलकर अपना सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको मेडिकल या इंजीनियरिंग लाइनिंग में जाने का मन ना हो तो वो अपना सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। तो आखिर में आपको ही डिसीज़न लेना है कि आपको क्या करना है। आप अपना एक सबसे पहले एम फिक्स कीजिए कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, बिजनेस फील्ड में जाना है, या आपको यूपीएससी अदर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना है। आप अपना एक एम क्रिएट करिए, तभी जाकर आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। ओके, हालांकि साइंस स्टूडेंट्स हो या आर्ट्स स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए और यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।